पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इनरव्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद ईस्ट, इनरव्हील क्लब ऑफ सेंट्रल, इनरव्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद संस्कृति का अधिष्ठापन समारोह रामुंगा बिहार स्थित एक होटल के रेस्टोरेंट में किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रीति सक्सेना के हाथों सभी प्रेसिडेंट का अधिष्ठापन समारोह में उन्हें कॉलर पहनाकर किया गया। क्लब के मेंबर्स और प्रेसिडेंट के द्वारा कई शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट किए गए। इनरव्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद ईस्ट के द्वारा संचालित निशुल्क शिक्षा केंद्र की टीचरों को फीस दी गई। कुछ गरीब बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की पूरे वर्ष की फीस जमा हुई। पूरे वर्ष का सिलेबस और यूनिफॉर्म दी गई। सिलाई सिखाने वाली महिलाओं को सिलाई की किट दी गई। कुछ जरूरतमंद लोगों के आंखों के चश्मे बनवाए गए, उन्हें भी इस समारोह में ये चश्मे प्रदान किए गए। समारोह का संचालन गीता अग्रवाल के द्वारा किया गया। अन्य क्लबों से उपस्थित प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पीडीसी रोहिणी कंसल, पीडीसी अनीता रस्तोगी, पीडीसी वंदना गुप्ता, पीडीसी ममता गर्ग, पीडीसी मंजू गुप्ता। इसके अलावा क्लब के सदस्य अनीता अग्रवाल, इंदु गुप्ता, शैल अग्रवाल के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। हमारे इनर व्हील के तीन क्लब्स का एक साथ इंस्टॉलेशन प्रोग्राम हुआ है। इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद ईस्ट, इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद सेंट्रल एंड इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद संस्कृति, इनका अधिष्ठापन समारोह हुआ है। इसमें इस साल के नए प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी और नई टीम गठित की गई है, जिसको हमने यहाँ पर आके इंस्टॉल किया है। नए क्लबों से ये उम्मीदें रहेंगी कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे अधिक से अधिक काम करें। जो नीडी और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हाँ, मैं विशेष तौर से कैटरेक्ट के ऑपरेशन का प्रोग्राम बना रही हूँ, जो मेरे क्लब के द्वारा किया जा रहा है। यदि आप भी किसी कैटरेक्ट के ऐसे पेशेंट को जानते हो जिसको किसी वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, या पैसों की ज़रूरत है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, या चश्मे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं। आप हमारा नंबर ले लीजिए, मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे मैं देती हूँ, TMU हॉस्पिटल से कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराऊंगी, इसके बाद का भी पूरा ट्रीटमेंट कराऊंगी, उन्हें चश्मे भी दिलवाऊंगी। और इसके अलावा फ्री बच्चों की एजुकेशन, महिलाओं की, जो प्रौढ़ महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं या पढ़ना लिखना चाहती हैं, उनको भी निःशुल्क सिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बस ज़रूरत है जानकारी की, कि जानकारी नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो आ नहीं पाते। ये आप लोगों का काम है कि आप इस जानकारी को फैलाइए कि हम लोग ज़रूरतमंदों के इलाज भी कराते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट भी कराते हैं, आँखों के ऑपरेशन कराते हैं, और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई, बच्चों की नौकरियों को लगवाना इत्यादि बहुत सारे काम करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।